कार्यक्रम से लौट कर फ्रेश हो रहे थे, उसी वक्त एक रिंग आया और सीधा गाली गलौज पर उतर गया। और गाले हम पूछ रहे कौन बोल रहा है, क्या बात है, बोल गोली मार देंगे। इस पर भी हम भी कुछ बोले, उसको उत्तर नहीं दिया, हम फोन काट के प्रशासन को इसको सूचना दे दिए कि इस तरह का मेरे फोन पर खबर आया है। प्रशासन का जो जिम्मेदारी है निभाया है, प्रशासन को हम नहीं बोलते नहीं निभाया, प्रशासन एसपी कल मेरे साथ दो बार बात किए और उसको निभाने के बाद अभी आपके सामने ही उसका जो कॉल डिटेक्ट हुआ पता भी चल गया है, वो चंदन क्यारी तरफ का लड़का है, वो आएगा सामने तो बात करेंगे क्या काहे तुम इस तरह का मेरे साथ किया, क्यों बोला गोली मारने का, किसने कहा तुमको, खुलासा करो। अभी तक हम लिखित नहीं दिए हैं, हम मौखिक खबर किए हैं, मौखिक में ही पुलिस सक्रिय हुआ और यहाँ तक इस घटना को यहाँ तक मैंने जांच का एथे में लाने का काम किया। देखिए वो तो प्रशासन की बात है, गंभीर मामला है तब ने इस तरह के लोग आपका के नज़र में आप लोग बेसिक सक्रिय हुए, हमको लगता है एसपी हम बोले भी नहीं, आपके माध्यम से ही लोग एसपी को जानकारी हुआ, तो एसपी सीरियस हुए, उस पर सामने आया है, खुलासा होगा क्या मामला है। अभी तक हम लिखित नहीं दिए हैं, जब तक उसको और हम लोग अभी इंस्पेक्टर साहब से बात हुआ, उसको लाइए जरा सा जानकारी, पागल है क्या है, किसने कहा। देखिए इस मामले की जांच हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने उस आदमी की पहचान भी कर ली है, जल्द ही उस पर हम लोग वैधानिक कार्रवाई भी हम लोग आरंभ करेंगे। उस आदमी की पहचान जांच के क्रम में यह बात आई है कि वो पहले भी पुलिस को भी कई बार गलत सूचनाएं दे करके अपने विरोधियों के विरुद्ध में छापामारी करवाना, अपने परिवार के लोगों के विरुद्ध में भी जो है वो गलत सूचनाएं दे करके पुलिस को भ्रमित करके तंग करता था, एम्बुलेंस को 108 पर फोन करके गलत सूचना दे करके एम्बुलेंस को ये करता था। ये हम लोग अभी पहले उस जांच करते हैं कि वो आदमी क्या एक्टिविटी रहा है और कि क्यों इस तरह से कर रहा था, जल्द ही हम लोग इसमें कोई निर्णय ले लेंगे।